फिर जो है अगर धूप में पड़ी रही, यू शुड नॉट ड्रिंक दिस वाटर, डू यू टेक केयर? गाड़ी में पड़ी रहे तो यू शुड नॉट ड्रिंक इट, क्या होता है फिर उससे? मैम जो प्लास्टिक के जो होता है ये पानी में मिक्स होती है, केमिकल शुरू हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो आई डोंट इवन नो इफ द शॉपकीपर्स फॉलो दिस प्रिंसिपल, वो पता नहीं कहाँ रुक के रखते रहते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑल्सो वट एवर यू हैव. आजकल मेडिसिन भी, फॉर एग्जाम्पल, डोंट कीप दम इन अ प्लेस वेर देर सनशाइन और देर हीट, ट्राई टू कीप दम इन अ कूल प्लेस. द सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हीट हो जाता है ना? यस मैम, हीट डिसिपेशन होती है ना मैम. हम दवाई के ऊपर लिखा भी होता है जितने टेम्परेचर पे रखे हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते, बड़ा बड़ा लिखा था बच्चों, इसीलिए मोस्टली पाकिस्तान में कहते हैं कि वैक्सीनेशन कई बच्चों की हुई होती है येट उनको वो डिजीज दोबारा हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो वैक्सीनेशन कई दफ़ा प्रॉपरली वो रखी नहीं गई होती, जैसे अगर उसे आइस में रखना तो आइस में नहीं रखा गया होता, राइट? तो इट वॉज यूजलेस, द वैक्सीनेशन वॉज यूजलेस. दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. ओके, so the next question is how much voltage is produced. Okay, how much voltage is produced when a current of 5 minutes. Okay, we can stop here. This is the last. Okay. Close. Through a resistance of 10 ohms. Okay, ये कर लो फिर आप. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं साहिब? नेगेटिव पार्टिकल्स विद इन. अच्छा, इसमें भी आप थोड़ी सी कंफ्यूजन देखोगे अपने चैप्टर में. यू नो व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, उसको हम एरो किस तरह लगाते हैं बैटरी में? हम लगाते हैं इस तरफ, जबकि असल में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव साइड से जा रहे हैं. ये क्यों ऐसे करते हैं आपको पता है इसकी वजह? दिस इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल, इट्स अ कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब समझ आते हैं, एक ट्रेडिशन बन गई है, मतलब था कि स्टार्ट में यही समझा जाता था कि इस तरफ से चार्ज फ्लो हो रहा है, शुरू में समझा जाता था पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला तो सारी जो सर्किट्स बन चुके थे वो इस तरह से बन चुके हुए थे. देयरफॉर उन्होंने कहा कि उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑल्दो हर बुक में अब लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन से भी हो रहा है, लेकिन वो एरोज उसी तरह से हुआ. मैम फार्मूला तो ये सिंपल ही है. क्या बोला? V इज इक्वल्स टू आई आर. चलो ऑन करो, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. मैम ऑन है, ऑन है, ऑन है. ओके, सो हाउ मच वोल्टेज इज प्रोड्यूस व्हेन अ करंट ऑफ 2000 मिली एम्पीयर फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द गिवन. द गिवन इज करंट, वी हैव करंट हाउ मच? 2000 मिली एम्पीयर. ओके, और रेजिस्टेंस 10 ओम. वी हैव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. एंड देन वी हैव वोल्टेज. वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज. वोल्टेज अब द फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू IR. एंड देन मैम बिफोर वी डू दिस, ये जो मिली एम्पीयर है उसको, यस, सो आई शुड राइट 2000 आगे क्या लिखूं? डिवाइडेड बाय 1000. Divided by 1000 into 10. 10 ohm. Into 10 ohm. Okay. Yes. Another way of doing this can be, this is 2000 into 10 raised to minus 3. एक ही बात है. Yes, ma'am. Ampere and then 10 ohm. But remember to convert. Convert. तो ऐसा ही है. Okay. Yes. So it is 20. So yeah. So this is complete now. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, good. You can switch it up.